भोपाल के निवासी जितेश संत कुंवर राम कॉलोनी भोपाल ने पुलिस को बताया कि दोपहर करीब 4 बजे मेरी दुकान पर एक व्यक्ति आया और अपना मोबाइल एप्पल कंपनी का बेचने का कहा, आईफोन एक साथ खरीदने का बोला और काउंटर पर रखा मेरा मोबाइल, जिसे वह डिब्बे में से निकाल कर मौका देख कर चोरी करके ले गया। जिसकी रिपोर्ट पर थाना हनुमानगंज में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आपराधिक घटनाओं में अंकुश लगाने के निर्देश के पालन में थाना प्रभारी थाना हनुमानगंज महेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा आरोपी की पहचान सुनिश्चित करने मुखबिर तंत्र विकसित किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप आरोपी राहुल को पकड़ने में कामयाबी मिली। पूछताछ की गई, जिस पर आरोपी राहुल ने आईफोन कंपनी का मोबाइल फरियादी के काउंटर से चोरी करना स्वीकार करते हुए उक्त चोरी गया आईफोन कंपनी का मोबाइल कीमत 30,000 रुपए जब्त कर लिया है। भोपाल से मुकेश सिंह की रिपोर्ट। बेसिकली 14 तारीख को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें से जीतेश ने, जो संत कंवर राम कॉलोनी का रहने वाला है, उसके द्वारा बताया गया था कि मेरी दुकान में एक व्यक्ति आया था जिसके द्वारा एक एप्पल का फ़ोन बेच करके और दूसरा आईफोन एक्सर लेने की बात कर रहा था और उसके द्वारा लिया नहीं गया और वहीं दुकान में से डिब्बे से निकाल करके चला गया है, जिस पर से अज्ञात आरोपी के खिलाफ चोरी की FIR दर्ज की गई थी। और 21 तारीख को फिर संबंधित आरोपी की धरपकड़ की गई, जिसमें से राहुल धाकड़ नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिसके पास से उक्त मोबाइल जब्त किया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।